प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार आपके विद्यालय ने आपके हितों को ध्यान में रखते ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई है। इसे आप यूट्यूब चैनल पर देखें, ध्यान से अध्ययन करें और जो भी कार्य लिखित में बोर्ड पर कराया जाता है वह आपको फिर कॉपी में करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका बहुत अंतराल हो चुका और जब आप लिखोगे तो लिखने से आपका हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। कई महीनों से आप नहीं लिख पाए इसलिए आपके जो लेख हैं वह भी उतना सुंदर नहीं रहा, इसलिए आपको इस गृह कार्य को फिर कॉपी में अवश्य करना है। अब आज हमें प्रारंभ करते हैं समास। तो सबसे पहले हम समास का अर्थ लेंगे। समास का अर्थ, प्रिय विद्यार्थियों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ होता है होता है संक्षिप्त या छोटा रूप अथवा कम करना घटाना आदि। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, समास का अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। संक्षिप्त या छोटा रूप अथवा कम करना घटाना या संक्षिप्तीकरण करना। जैसे ध्यान दीजिए, राजा का और इसका संक्षिप्त रूप होगा राज। इसमें विभक्ति को हटा दिया गया, कम कर दिया गया। नंबर दो देखिए, गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा और इसका छोटा रूप होगा, संक्षिप्त रूप होगा गुरु दक्षिणा। अब ये इतना बड़ा शब्द था लेकिन इसका छोटा रूप हो गया गुरु दक्षिणा और छोटा रूप होने के बाद अर्थ वही निकलना चाहिए। नंबर तीन, मृग के समान, नयन है इसके। मृग के समान है, मृग के समान है नयन, नयन है जिसके। और छोटा रूप हो गया मृग नहीं, मृग नहीं। नंबर है चार देखिए, विद्या के लिए, विद्या के लिए आले। और प्रिय विद्यार्थियों इसका छोटा रूप होगा विद्यालय, संक्षिप्त रूप
प्रकार हमने मैंने आपको समास का अर्थ बताया था। समास का सात्विक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप अथवा कम करना, शब्दों को और घटाना, संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र छोटा रूप हो गया राजपुत्र, गुरु के लिए दक्षिणा छोटा रूप इसका हो गया, शब्दों को कम करके गुरु दक्षिणा विभक्ति चिन्ह हटाए। और मृत्यु समान है, नयन है जिसके, और इसका संक्षिप्तीकरण है छोटा रूप हुआ मृगनयन। नंबर चार विद्या के लिए आलय, आलय यानी होता है स्थान या घर, विद्या के लिए जो स्थान है छोटा रूप हो गया विद्यालय। अब इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे नंबर चार दिन को करने वाला है जो वह है, और इसका छोटा रूप हो गया दिन का या सूर्य, क्योंकि सूर्य उदय होने पर ही दिन का। आप प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम लेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा समास की परिभाषा जब है तो जब है दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करे, विभक्ति का लोप करे, विभक्ति का लोप करे भक्ति का लोप करे जो छोटा रूप बनाते हैं, जो छोटा रूप है बनाते हैं। उसे समास से समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिए समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए छोटा रूप हो गया बेसिक डिग्री,
आप प्रेम भारतीय ध्यान दीजिए, विचित्र है जिसकी गर्ल और इसमें विभक्ति और लोप होकर के छोटा रूप बना विचित्र के लिए। प्रिय विद्यार्थी, विचित्र की विचित्र है जिसकी गर्दन वह जैसे जिराफ और सभी पशुओं में जिराफ की जो गर्दन है विचित्र है। अब नंबर है दो, महान है ज्योति। और इसका छोटा रूप होगा महादेव। महादेव नंबर तीन, चिड़िया को चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला और प्रिय विद्यार्थी इसका छोटा रूप होगा चिड़ी मार। नंबर दो, और नंबर तीन और नंबर चार, लोकार्पण। लोगों के लिए, लोगों के लिए अर्पण और विभक्ति हटने के बाद इसका छोटा रूप होगा विभक्ति का रूप होकर के लोकार। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दो, समाज के परिवार जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करे जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। जैसे विचित्र है गर्दन जिसकी वह विचित्र ग्रीव, और विचित्र ग्रीव पशुओं के अंदर है जैसे जिराफ है, कबूतर है और महादेव, और इसका छोटा रूप होगा महादेव। चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला उसका छोटा रूप होगा चिड़ीमा। विभक्ति चिन्ह को हटा करके और लोगों के लिए अर्पण और विभक्ति चिन्ह का रूप होकर के छोटा रूप होगा लोकार्पण। नंबर पांच, नीला है इसका इसका कंठ वह है वह। और प्रिय विद्यार्थी नीला है इसका कंठ वह और इसका छोटा रूप होगा सिर। मोर और कबूतर, नीला है जिसका कंठ वह भगवान शिव, मोर और कबूतर। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों अधिकांश हम और इसका छोटा रूप होगा नीलकंठ, ये थोड़ी भूल हो गई नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ में विभक्ति का लोप होकर के छोटा रूप हो गया नीलकंठ। शिव मोर और कबूतर, लेकिन अधिकांश हमें भगवान शिव के लिए नीलकंठ का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद है समाज के प्रकार।